अगर मैं मुझसे बोलता हूँ यू कैन गो, तुम जा सकते हो यार, ठीक है, यू कैन गो, यू मे गो, आप क्या सकते हो, यू मे गो प्लीज आप जाइए यहाँ से, ठीक, तो मे आई कम इन, मैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, 100%। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, मे का मतलब होता है प्यार से पेश आने के लिए, और कुड का भी मतलब होता है प्यार से पेश आने के लिए, दोनों डेफिनेशन सेम है, तो अंदर क्या है, अंदर सिर्फ इतना है कि भैया ग्रुप में अगर कोई लीडर है तो लीडर के लिए इसका प्रयोग करेंगे, बाकी के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे बता चुका अगर स्कूल कैंपस है, स्कूल कैंपस में सबके लिए प्रयोग करेंगे मैं, प्रिंसिपल के क्या करेंगे, लेकिन भैया प्रिंसिपल के बात होगा वह होंगे और बोले होंगे मैं कौन सर, अब बुला लिया होगा उसे, मुझे पता है, अरे बुलाना नहीं चाहिए थे, पहले बुलाना चाहिए थे, तुम्हें पीटना चाहिए, गलत पर पर बोल रहे हो, अगर कुड़ाई कभी कहता है तो कंफ्यूजन है, तो समझ जाइए कि बेचारे की थोड़ा सा इंग्लिश लफड़े बात है। अब अगर थोड़ा सा उसको फोर्सेबल लेवल पे बोल रहे हो
बेटे तुमको जाना ही चाहिए, तो वहां पे यू मस्ट गो, तुम्हें जाना ही चाहिए। लेकिन इसमें 50% है, वो अगर नहीं जाएगा तो हम उसको कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, समझ बात। लेकिन यू आर गो अगर आप ऐसा बोलिए ना तो उसको फिर जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएगा तो मार खा रहेगा। ये 100% बात बता रहे हैं। तो जिस समझो आपको, अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं वहां पे 40% आता है और उसको कंफर्म ऑर्डर देना है तो आप सुनता है लेकिन रट्टा फिनिशर वाले देखो यार क्या करते हैं, रट्टा फिनिशर वाले से शुल्क रट लेते हैं, चाहे यू शुड गो। अगर बहुत जल्द मतलब कंफर्म दे दे मिलता है, जिसको एक बच्चा है, कोई फ्रेंड है, तो हम कहते हैं भाई मार के मर गया, जाने जाने चाहिए, तो इसको बोल रहे हैं यू को भाई, यू को यू को रो रो के बोलता है यू को, हम ऐसे क्या बोल रहे हैं, इसको बोलो यू आर गो। तो 100% अगर बात आता है यू आर गो, अगर 50% अगर किसी बात है फील कर को फील कर के ये क्या ये क्या लिखे हो नीचे ये ए यू जी एच टी आर कहते हैं आर आर भाई, इसके हिसाब से हम निकालना शुरू करते हैं ए यू तो आओ ऐसा हो गया शुरू, ठीक है चलिए देखते हैं हमारा टिकट खत्म हो गया, ये देख लीजिए चलिए देखिए यू आर गो, ओके याद है समझ में बात, चलिए आगे देखिए भाई मेरे पास टाइप करना है क्योंकि हम उनको बता रहे हैं कि थोड़ा सा टाइप करवाए और मैं सबके एग्जांपल पांच पांच दस दस से पा लूंगा, ठीक है। सीधे जुबानी सुनो, शुभ मतलब होता चाहिए, शुभ शुभ को तुम्हें जाना चाहिए, अगर ज्यादा थोड़ा फोर्स लगा के बोल रहे हो कि बेटा तुमको जाना ही चाहिए, हम फोर्स बोल रहे हैं, बट उसमें हमारा कोई राय नहीं है कि भैया हम शुरू कर दे रहे हैं जाना ही पड़ेगा, ठीक है ऐसा नहीं, तो वापस यू मस्ट गो, आई मस्ट गो, मुझे जाना पड़ा, ठीक है मेरे को अर्जेंट काम पड़ गया, आई मस्ट गो, मुझे जाना पड़ा। अगर मैं कहूं कि ये यू शुड एंड यू आर गो तो उसमें कंफर्म है सीधे की जा रही पड़ेगी, क्या खाने पड़ेंगे सोने पड़ेंगे रोने पड़ेंगे जो जो भी आप सब यूज करना चाहते हो उसमें 100% बात का देता है, ये बात नोट कर लो, ओके बात चलिए आगे मेरे हिसाब से बात कौन सी होगी होगी बताइए, इस संडे में कौन था, इस संडे में कौन था भाई, इस संडे में कौन था भाई, तीनों का मतलब क्या होता है जब भी आप किसी के साथ जाते हैं, किसी के साथ होते हैं, किसी के साथ सोते हैं, किसी के साथ कुछ भी करते हैं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे, ठीक, आई एम कमिंग विद फादर, मैं अपने पापा के साथ आ रहा हूं, ठीक है, ठीक है सर, तो आप विद मम्मी के साथ अगर आ रहे हो विद मदर, सिस्टर के साथ हो विद सिस्टर, ठीक जो भी कर रहे हो अगर किसी के साथ कर रहे हो तो आप विद का प्रयोग करेंगे, भाई में भाई भाई का मतलब होता है के द्वारा, अगर आप किसी के माध्यम से ट्रैवल कर रहे हो, अगर किसी के माध्यम से कहीं जा रहे हो तो उस किसी ने बाइक लगा तो बाइक ट्रेन कैसे आया, वो कैसे आया था बाइक बाइक सीधे बोलो बाइक बाइक किसके साथ था, बाइक डिफरेंट तो बोलो बाइक बाइक डिफरेंट दोस्त के साथ बाइक आया बाइक ट्रेन बाइक कर जो के लगा है इसका भी थोड़े मतलब होता है कि कहां के देखिए के जो लगा ना वो सरकारी किताब में लगाया गया है कंफ्यूज करने के बच्चे बच्चे थोड़ा ऊपर लाए, ठीक है समझ लो, बस सीधे बोल दिया हूं कि बाइक का मतलब द्वारा होता है, इसका मतलब क्या होता है सीधे बहुत मतलब के दो शब्द लगाकर कैसे लगता क्यों लगता है आप करके बता दीजिए, चलो सुन बिन का मतलब के साथ के का मतलब होता है जब आप किसी के साथ होते तो उसके लिए हमने के शब्द का उपयोग किया, इसको हमने इसलिए आगे लिखा है ताकि आप बता सके आप किसके साथ हैं, बाद में आप साथ जोड़ने पड़ेगा साथ में थोड़े से समस्या हो जाएगी, ठीक है, तो आप किसी के साथ जैसे विद टीचर विद स्टूडेंट विद फ्रेंड विद फैमिली विद कंट्री विद स्टेट आप जिसके साथ जो भी कर रहे हैं किसी के बीच में लगा के तो ठीक है भाई, जब आप किसी के माध्यम से नहीं ट्रैवल कर रहे हो साइकिल से आप बाइक से ठीक है, जिसमें कैसे तो आई एम गोइंग टू चित्रकूट, ठीक है आई एम गोइंग टू चित्रकूट बाई बाइसाइकिल विद फ्रेंड या कल विद माय फ्रेंड बहुत सारे दोस्तों के साथ चित्रकूट जा रहा हूं साइकिल, ठीक है आई एम गोइंग चित्रकूट टू भोपाल विद फ्रेंड बाई ट्रेन, एक ही सेंटेंस को बहुत लंबा करने करना है ना तो उसके लिए आपको सारे
मॉडल की गारंटी ये कुछ मॉडल्स की गारंटी। देखिए हमने अगर छोटा सा अगर सेंटेंस लिया तो छोटा सेंटेंस सीमित जैसे टेंस के क्रिया में TENSE टेंस के क्रिया में से छोटे सेंटेंस सीमित रहते हैं, हम बोल चाल को बहुत गलत सेंटेंस हो जाते हैं, ठीक है बहुत गलत बोल जाते हैं, जो बहुत बोल जाते हैं वो सब के काम को कर पाए उसके लिए अलग से तरीके अंग्रेजी होगी और उसी अंग्रेजी का नाम है स्पीक हो के या स्पोकन इंग्लिश, ठीक है समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। है बहुत ही प्यारी चीज बताता हूँ, यश के गीत की है का मतलब क्या है, रखना है का मतलब क्या रखना, जब हम किसी देखिए रखना का मतलब ऐसे कुछ मगर ठीक है सर है का मतलब होता है रखना और रखना का मतलब क्या होता है हमसे शुरू रखने का मतलब क्या होता है, जब जब कोई चीज हमारे पास होती है जब होने का एहसास होता है वहां पर हम है का उपयोग करते चाहो कि डेफिनेशन का सकता हूं टाइम का मैं ले लूंगा सीधे दिमाग में डालूंगा। है का मतलब होता है रखना, जब कोई चीज हमारे पास होती है होने का एहसास होता है, जैसे मेरे पास ये मदर है तो आई है वन मार आई है वन फ्रेंड मेरे पास एक दोस्त है, आई है वन टीचर मेरे पास एक ही तो टीचर है, I am one house मेरे पास एक ही घर है, I am two pen मेरे पास दो ही तो pen है, I am two I am five rupees मेरे पास पांच रुपए है, I have five rupees in my pocket मेरे जेब से पांच रुपए हैं। अगर तुमसे पूछे मेरे पास क्या है तो उसको बता देना सीधे है पर करो, इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज ज्यादा करते हैं, ठीक है सीधे मैं मॉडल दे रहा हूं और उसका डेफिनेशन दे रहा हूं एग्जांपल से दे रहा हूं समझ आ गया। अगर तुम टेंस में पूछोगे ना टेंस में पहले उसकी रामायण पढ़ोगे कि महाभारत पढ़ोगे कि उसमें खंड का महाभारत सब पढ़ोगे तब जाकर कोई पेन के इसमें लिख के थोड़ा सा पकड़ आएगा और जो पकड़ आएगा वो स्टेट लेवल की पकड़ जाएगी स्टेट लेवल की समझ आ गया। स्टेट लेवल का स्टेट लेवल कुछ होगा स्टेट लेवल ये क्लर्ट एप्लीकेशन सर हम एक दिन है हम एक दिन के लिए उपयोग कर सकते बहुत दिन के लिए उपयोग कर सकते हैं आपका जवाब दे रहा हूं है का उपयोग मॉडल के बेसिस अगर देखा जाए तो है का उपयोग हम एक बजे या बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं छोटे से बेस में अगर वर्ब की तारीख देख रहे हैं मॉडल वर्ब की बेस देख रहे हैं एक बजे बहुत कोई भी बहुत इसमें डाल कर चल जाएगा ठीक है, लेकिन अगर टेंस के बेस में अगर वर्ब का पूछ रहे हैं तो है एक बजे डाला है एक बजे है दो बजे ओके क्लियर ये होता है। तो देखिए ये सब का सब चीज है जिस है हो गया मैं एक चीज और लिख दूंगा इसलिए यस है हो गया हैज हैव हैज बीन ये सब जुड़े रहे उसको पढ़ा है तो ज्यादा प्रॉब्लम की बताऊं ना क्योंकि टेंस का जो टॉपिक है आप शेड्यूल पढ़ा है अगर हमको पढ़ाना हो तो क्या पढ़ा देंगे ठीक है हमने देखा था शेड्यूल उसको पढ़ा था इसका टॉपिक कहने का मतलब ये है कि भैया ये मॉडल जो वर्ब हम बता रहे हैं उसका सीधे मतलब होता है मॉडल वर्ब का सीधे उसका मतलब जान लो और सीधे बोलना शुरू कर दो बस लाभ जान सकते हैं। मेरे पास एक नोट पड़ी रह गई मेरे खुद की लिखी मार्केट से मेरे खुद की मैंने बहुत ही सेलेक्टेड चीज में नोट किया है कोई जिसके नाम में नोट लग गई सही कह रहा हूँ कसम से कह रहा हूँ 50% अंग्रेजी बोलना उसको आ जाएगा और 50% बहुत बड़ी बात होती है बहुत बड़ी बात है यानी कि तुम फॉरन लेवल की अंग्रेजी ना बताओगे इंडिया लेवल की तो बोल रही होगी ठीक क्योंकि उसमें मैंने ज्यादा करके बोल रहा हूँ और तरीके बताए उसमें सर बात करते हो काम दीजिए मुझे आपने सर एक पूछ रहे थे इंग्लिश पर नहीं काश पा दी मेरे से पांच मिनट डिस्कस करके खत्म करता हूं लोगो जी यस सर प्लीज हैंड वर्क बंद बंद करके बंद करके सो मत जाना प्लीज आई रिक्वेस्ट यू।